Good morning, everyone. Good morning. I am Pranav Pandey, the student of class 7. I am from Ehrauli. Friends, I am Gadwal and I hope you also well. Today, I will teach you about sentence. आज हम आपको वाक्य के बारे में पढ़ाने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं what is sentence. वाक्य क्या होता है? तो देखिए sentence. A group of word. That has a complete meaning. It's called sentence. तो देखिए a group of word that has a complete meaning is called a sentence. A group of word यानी शब्दों का ऐसा समूह या वह समूह that has a complete meaning जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे हम वाक्य कहते हैं. Is that clear? Yes. Any doubt? No. Okay. Once again, a group of word that has a complete meaning is called a sentence. शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे ही हम वाक्य कहते हैं. तो चलिए आपके समझदारी के लिए बता दें कि एग्जांपल में हम देखेंगे. एग्जांपल हमारा राम गोज टू दिल्ली. इसका मतलब राम गोज टू दिल्ली. राम दिल्ली जाता है. तो इससे पता हमें चल रहा है कि सेंटेंस जो हमारा कंप्लीट हो रहा है, वाक्य जो हमारा पूरा हो रहा है. तो इसी से हम पता करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है. मैंने आपको डेफिनेशन में बताया दैट हैज ए कंप्लीट मीनिंग जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है उसे ही हम कहेंगे सेंटेंस. इज दैट क्लियर? यस. गॉट इट? यस. ओके. नाउ वी कम टू काइंड ऑफ सेंटेंस. तो चलिए देखते हैं काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है. तो देखिए काइंड ऑफ सेंटेंस में होता है वाक्यों के प्रकार. देयर आर फाइव काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के पांच प्रकार होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा असर्टिव. सेकंड हमारा इंट्रोगेटिव. और थर्ड हमारा इम्परेटिव. और फोर्थ हमारा एक्सक्लामेटरी. और हमारा लास्ट वाला जो है वो है ऑप्टेटिव. तो देखिए देयर आर फाइव काइंड ऑफ सेंटेंस. वाक्य के पांच प्रकार होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा असर्टिव सेंटेंस. सेकंड हमारा इंट्रोगेटिव. देन इम्परेटिव. आफ्टर दैट एक्सक्लामेटरी एंड ऑप्टेटिव. टोटल कितने हुए? पांच. टोटल हो गए पांच. समझ में आया? यस. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा असर्टिव. सेकंड हमारा इंट्रोगेटिव. थर्ड हमारा इंपरेटिव. फोर्थ हमारा एक्सक्लेमेटरी. और लास्ट वाला हमारा ऑप्टेटिव. नाउ वेलकम टू पार्ट ऑफ सेंटेंस. अब हम वाक्य के भाग के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है. तो फ्रेंड्स देखिए, जो अगर कोई आपसे काइंड और पार्ट के बिटवीन का डिफरेंट पूछेगा तो आप उसको बताएंगे कि काइंडनेस होता है प्रकार और पार्टनेस होता है भाग. लेकिन नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन उसका नहीं है. काइंडनेस होता है प्रकार और काइंड जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट. अगर किसी भी वर्ड का अगर पार्ट काइंड निकलेगा तो उसे अलग अलग हो सकते हैं. जैसे नाउन के पाँच हैं, प्रोनाउन के नौ हैं और वर्ब के थ्री हैं. तो ऐसे हम देखेंगे जो पार्ट अगर किसी भी वर्ड का पार्ट निकलेगा तो वो दो से ज़्यादा नहीं निकलेगा. जैसे हम ले लिए नाउन का पार्ट है countable and countable, तो वो भी दो है. और देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसके भी दो निकलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सब्जेक्ट और सेकंड हमारा प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट में होता है विधि. तो देखिए अब हम जानेंगे कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट. उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है और उसको हम पहचानेंगे कैसे. तो चलिए आपको बताते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट. तो देखिए ए सब्जेक्ट इज ए पर्सन प्लेस
things. Tells about in sentence. तो देखिए हमारा सब्जेक्ट हुआ ए, सब्जेक्ट इज ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स टेल्स अबाउट इन द सेंटेंस. उद्देश्य उसे कहते हैं जो व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को वाक्य में बताता है या प्रदर्शित करता है, उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं. इज दैट क्लियर? यस. इफ यू हैव एनी डाउट? नो. ओके, अब इसका हम एग्जांपल देखेंगे. इसका एग्जांपल है पटना इज ए बिग सिटी. पटना इज ए बिग सिटी. पटना इज ए बिग सिटी. पटना एक बड़ा शहर है. तो ये जो पहला वर्ड जो हमारा है पटना, डेफिनेशन मैंने आपको बताया पर्सन प्लेस और थिंग्स उसमें प्रदर्शित होते हैं. तो पटना जो है हमारा वो प्लेस है. तो इसी से हमें पता चलता है कि पटना हमारा वो सब्जेक्ट है. Did you get it? Yes. Okay, now we come to predicate. अब हम आपको predicate के बारे में बताएंगे. देखिए प्रेडिकेट जो होता है वो होता है प्रेडिकेट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट. देखिए हमारा प्रेडिकेट होता है ए प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट. आपने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा कि क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण बताता है, वैसे ही यानी वैसे उद्देश्य की विशेषता प्रेडिकेट यानी विधेय बताता है. ए प्रेडिकेट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट. जो प्रेडिकेट होता है जो विधेय होता है वो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है. जैसे वही एग्जांपल हम फिर से ले लेंगे. पटना इज ए बिग सिटी. तो देखिए पटना जो हमारा प्लेस से पता चलता है कि ये जो हमारा है सब्जेक्ट है. अब प्रश्न ये उठता है कि इज ए बिग सिटी क्या है. तो हम आपको बताएंगे पटना इज ए बिग सिटी. पटना एक बड़ा शहर है. पटना की विशेषता जो बता रहा है उसी को हम कहेंगे प्रेडिकेट. पटना की विशेषता जो बताए उसी हम कहेंगे प्रेडिकेट. इज दैट क्लियर? यस. एनी डाउट? नो. ओके, वंस अगेन. ए प्रेडिकेट टेल्स अबाउट सब्जेक्ट. विधेय उद्देश्य की विशेषता बताता है. जैसे पटना इज ए बिग सिटी. तो पटना जो है हमारा प्लेस से पता चलता है कि सब्जेक्ट है और इज ए बिग सिटी जो है हमारा प्रेडिकेट है क्योंकि उसकी विशेषता बता रहा है. सो फ्रेंड्स टाइम इज ओवर. फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अगर आपको कोई डाउट है तो आप उससे डाउट पूछिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे. थैंक यू सो मच.